हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मस्त, क्योंकि आज के हम लोग किस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं पिनमिंग फोनिक्स वर्सेस अनदर प्लेयर के पूरे पूरे स्कोर बोर्ड के बारे में। तो मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं टॉस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सर ब्रेफ्रेंड टॉस जीता और इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला लिया। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने टॉस की, तो जो टॉस जीतते पहले हम लोग उसकी ब्रेंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी सर ब्रेफ की। तो सर ब्रेफ की ब्रेंग कुछ ऐसी थी, पहले नंबर पर स्मृति बंद्रा, दूसरे नंबर पर डैनी वॉर्ड, तीसरे नंबर पे सोफिया डगले, चौथे नंबर पे स्टीफन टेलर, वही पाँचवें नंबर पे मिया बाउचियर, वही छठे नंबर पे अमरनाथ वेलिंगटन, वही सातवें नंबर पे आनिश सबसोल, जो कि हमें मैच के लेकर जो नज़र आ रही थी कैप्टनसी। उसके बाद आठवें नंबर पे कैरियर रूट, जो कि हमें मैच के लेकर जो नज़र आ रही थी विकेट कीपिंग। उसके बाद नब्बे नंबर पे फाई मॉरिस, उसके बाद दसवें नंबर पे जारोट टेलर, और उसके बाद जो ग्यारहवें और आखिरी नंबर पे है वो है लोरे बेल। तो जी तो बात कर लिया हमने सर ब्रेफ की पूरी की पूरी ब्रेंग के बारे में। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पिन मेक फॉनिक्स वुमेंस की ब्रेंग के बारे में। तो इनकी ब्रेंग कुछ ऐसी थी, पहले नंबर पे एवलिन जॉन्स, दूसरे नंबर पे शिफाली मर्मा, तीसरे नंबर पे एमिली आरोड, चौथे नंबर पे केटी मैक, पाँचवें नंबर पे एमिन जॉन्स, जो कि मैच के लिए कैप्टनसी के साथ सकते हुए नजर आएगी ये विकेट कीपिंग। उसके बाद छठे नंबर पे एनिन बंस, उसके बाद चौथे एलविस, उसके बाद चुनन डेविस, उसके बाद इसाबेल वांग, उसके बाद किशो गोर्डन, और उसके बाद जो ग्यारहवें और आखिरी नंबर पे है वह है अब्ताह मकसूद। तो दोस्तों जी तो बात कर ली हमने पिमिंग फोनिक्स की भी प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले इनिंग की। तो पहले इनिंग खेल रही थी पिमिंग फोनिक्स, और दोस्तों इनका कुछ ऐसा रहा था, पहले नंबर पर आई शिफाली वर्मा, जिन्होंने कि 22 रन बनाए वह भी कुल 20 गेंदों में, जिस दौरान शिफाली वर्मा ने कुल 3 चौके चढ़े, वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। इनकी शायद भी 110 की रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि शिफाली वर्मा अमरनाथ वेलिंगटन की बॉल पर LBW आउट हो गई थी। तो ये तो बात करें हमने पहले प्लेयर की, वह जो दूसरी प्लेयर थी वो थी एवलिन जॉन्स, इन्होंने 33 रन बनाए थे वह बिल्कुल 29 गेंदों में, जिस दौरान इन्होंने 6 चौके चढ़े थे, वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। वही बात की जाए स्ट्राइक रेट की, तो इन्होंने स्ट्राइक रेट थी वह 113.7 की। हमें आपको बता दूं कि एवलिन जॉन्स भी अमरनाथ वेलिंगटन की बॉल पे आउट हो गई। तो ये तो बात करें हमने दूसरे प्लेयर की, वही जो तीसरी प्लेयर थी वह थी एमी जॉन्स, इन्होंने 42 रन की एक बहुत बढ़िया पारी खेली थी वह बिल्कुल 26 गेंदों में, जिस दौरान इन्होंने 5 चौके जड़े थे, वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं जड़ा था। वही इनका इशारे रेट था वह 61.54 का। वही मैं आपको बता दूं कि एमी जॉन्स आखिर तक नोट आउट रही थी, देखा एवलिन जॉन्स से ज़्यादा कम चौके मारे एमी जॉन्स से, तभी भी इनका इशारे बहुत ऊपर है। तो दोस्तों ये तो बात कर ली तीसरी प्लेयर की, वही जो चौथी प्लेयर थी वो थी कैथी मैक, इन्होंने 31 रन की ट्रिटा पारी खेली वो भी गुल 22 के अंदर में, जिस तरह इन्होंने 3 चौके जड़े, वही इन्होंने एक छक्का भी नहीं जड़ा। वही बात की जाए इशारे रेट की, तो इनकी इशारे रेट थी वह 40.9 की। और मैं आपको बता दूँ कि कार्य रूट और सोफिया डगले ने मिलकर कैथी मैक को रन आउट कर दिया। तो ये तो बात कर ली हमने चौथी प्लेयर की, वही जो पांचवी प्लेयर थी वो थी एनिन बंस, इन्होंने एक गेंद पे 0 रन बना के आउट हुई थी, जिस तरह इन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं चढ़ी थी। वही इनका स्ट्राइक रेट भी 0 का ही रहा था। वही आने सब चौथ की बॉल पे एनिन बंस LBW आउट हो गई थी। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने आठवीं प्लेयर की, वही बात की जो नौवीं प्लेयर की, सॉरी दोस्तों यानी छठे प्लेयर की, तो छठे प्लेयर थे जे एलविस, इन्होंने 3 गेंदों में कुल 3 रन बनाए थे, जिस तरह इन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं चढ़ी थी, जब तक कि चिल एलविस का स्ट्राइक रेट भी शो कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि चिल एलविस आखिरी तक नोट आउट हुई थी। और दोस्तों ये तो बात कर ली हमने बैटिंग की, वही बात की जाए एशेस की, तो मैं आपको बता दूं कि पिमिंग फोनिक्स को कुल 9 एशेस मिले, जिस तरह तो 9 बॉल के, 4 वाइड के, 3 लेग पाए के। वही पिमिंग फोनिक्स का स्कोर रहा था वह 140 वो भी 4 विकेट खोके, इन्होंने ये पूरे 100 गेंदों में बनाए थे। वहीं करण ने पर बॉल रहा था 1.4 का। तो वही बात कही जाए 10 ये संदर ब्रेफ की बॉलिंग के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि संदर ब्रेफ की बॉलिंग कुछ ऐसी रही थी, पहले नंबर पे आई चालू टेलर, इन्होंने कुल 15 गेंदे करी थी, जिस दौरान इन्होंने 4 टॉट गेंदे की, यानी 11 गेंदे ऐसे 25वें रन दिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि उन 11 गेंदों में कुल 30 रन दिए गए थे।
में मैं आप सभी लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि चारों टेलर ने एबीपी के नई झटकाई थी। तो ये तो बात कर ली हमने पहले बॉलर के बारे में, वही बात की जो दूसरे बॉलर की, तो दूसरे बॉलर थे लोरम बेल। उन्होंने कुल पूरे की पूरी पीस की अंदर करी थी, जिस तरह नॉट आउट के अंदर करी। अगर देखा जाए तो ग्यारह गेंदे ऐसे थे जिसमें लोने बैल ने रन दिए थे, और मैं आपको बता दूं कि उन ग्यारह गेंदों में कुल 16 रन दिए थे लोने बैल ने, जिस दौरान लोलन बैल ने एक भी विकेट नहीं झटकाई थी। तो ये तो बात कर ली हमने दूसरे प्लेयर की, वही बात की जाए तीसरे बॉलर की, तो तीसरी बॉलर थी आनंद सबसोल। इन्होंने पूरी की पूरी पीस गेंदी की थी, जिस तरह इन्होंने 5 आउट गेंदी की। अगर देखा जाए तो 15 गेंदे ऐसे थे जिसमें रन दिए गए थे, वही उन 15 गेंदों में कुल 29 रन दिए गए थे, जिस तरह आनंद सबसोल ने एक विकेट भी झटकाई। तो ये तो बात कर ली हमने तीसरे बॉलर के बारे में, वही बात की जाए चौथे बॉलर की, तो चौथे बॉलर थे अमांडा वेलिंगटन। इन्होंने कोई पूरी की पूरी 20 गेंदें करी, जिस तरह इन्होंने 8 आउट गेंदें करी है। अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि 12 गेंदे ऐसे थे जिसमें रन दिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि उन 12 गेंदों में कुछ 16 रन दिए गए थे, जिस तरह अमांडा वेलिंगटन ने कुल 2 विकेट भी चटकाई। तो ये तो बात कर ली हमने चौथे प्लेयर के बारे में, वही बात की जब पांचवें बॉलर की, तो पांचवें बॉलर थी एस्टेलर। इन्होंने कुल 10 गेंदें करी थी, जिस तरह इन्होंने 3 आउट गेंदें करी, यानी 7 गेंदे ऐसे थे जिसमें रन दिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि उन 7 गेंदों में कुल 23 रन दिए गए थे, जिस तरह इन्होंने एक भी विकेट नहीं चिपकाई। तो ये तो बात कर ली हमने पांचवें प्लेयर के बारे में, वही बात की जो छठे प्लेयर की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छठे प्लेयर थे फिन मॉरिस। मैं आपको बता दूं कि फिन मॉरिस ने कुल 15 गेंदे की थी, जिस तरह फिन मॉरिस ने ट्रॉट ट्रॉट गेंदे भी की, यानी 13 गेंदे ऐसे थी जिसमें रन दिए गए थे। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिन मॉरिस ने 13 गेंदों में कुल 23 रन दिए थे, जिस तरह इन्होंने एक विकेट नहीं चिपकाई। तो ये तो बात कर ली हमने बॉलिंग के बारे में, जो कि कर रही थी संदीप देव। दोस्तों मेरे हिसाब से इनकी बॉलिंग बेकार रही, क्योंकि इन्होंने एशिया स्कूल बहुत ज़्यादा दिए थे इस कारण। तो ये तो बात कर ली हमने संदीप देव की बॉलिंग के बारे में। तब हम लोग बात कर लेते हैं संदीप देव की बैटिंग के बारे में, जो कि सेकेंड इनिंग्स में चल रही थी। तो संदीप देव की बैटिंग कुछ ऐसी रही थी, पहले प्लेयर थे डैनियल पैट। इन्होंने 169 रन की एक बहुत ज़्यादा बढ़िया पारी खेली थी, वह भी 40 गेंदों में, जिस दौरान डैनियल पैट ने कुल 5 चौके जड़े थे, वही इन्होंने कुल 4 छक्के जड़े थे। वही इनकी स्ट्राइक रेट भी 172.5 की थी। और मैं आपको बता दूं कि डैनियल पैट आखिरी तक नोट आउट हुई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डैनियल पैट इकलौती ऐसी प्लेयर थी इस मैच में जिन्होंने छक्के जड़े थे। वही दूसरे नंबर पर थी स्मृति बंद्रा, इन्होंने कुल 6 गेंदों में 5 रन बनाए थे, जिस तरह स्मृति बंद्रा ने एक चौका चढ़ा था, वह स्मृति बंद्रा ने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था इस मैच में। वह इनकी स्ट्राइक रेट 83.33 की थी। और मैं आपको बता दूं कि एनी बंस की बॉल पे आउट हो गए स्मृति बंद्रा, और इनका कैच पकड़ा था गेमर डेविस ने। तो ये तो बात के लिए हमने दूसरे प्लेयर की, वही बात की जो तीसरे प्लेयर की सदन ब्रेफ की तरफ से, तो बहुत ही सोफे टकले। इन्होंने 41 रन की एक बहुत ज़्यादा अच्छी पारी खेली, वह भी 23 गेंदों में, जिस तरह इन्होंने 7 चौके जड़े थे, वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं जड़ा था। इनकी शेयर भी ठीक ठाक थी 178.26 की। और मैं आपको बता दूं कि सोफे टकली रन आउट हो गई थी, और उनको रन आउट करने वाले प्लेयर का नाम था अब्ता मकसूद। तो ये तो बात कर ली हमने तीसरे प्लेयर के बारे में। वही बात की जो चौथे प्लेयर की, तो मैं आपको बता दूं कि चौथे प्लेयर थे स्टीफन टेलर। इन्होंने 22 रन मारे थे, वो भी कुल 14 गेंदों में, जिस तरह स्टीफन टेलर ने 3 चौके जड़े थे, वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। इनकी शेयर थी 157.14 की। और मैं आपको बता दूं कि स्टीफन टेलर आखिर तक नोट आउट रही थी। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने संदीप देव की बैटिंग के बारे में। भाई बात कीजिए कि संदीप देव को एशेज कितने मिले, तो मैं आपको बता दूं कि संदीप देव को एशेज कुल 4 मिले, जिस दौरान दोनों बॉल के एक वाइट का एक लेग पाए का। वह इनका स्कोर था 141, वो भी 2 विकेट खोके, वह भी सिर्फ और सिर्फ 82 गेंदों में। वह इनका रन रेट बॉल था 1.72 का। वैसे तो दोस्तों ये बहुत साधारण रन रेट था, अगर पूरी 100 गेंद खेल लेती तो ये इतने रन बनाती। और मैं आपको बता दूं कि संदीप देव इस मैच को 8 विकेट से जीत गई थी।
लेकिन अभी तक हमने पिन मेगाफोनिक्स के बॉलिंग के बारे में चर्चा नहीं की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पिन मेगाफोनिक्स की बॉलिंग के बारे में। तो पिन मेगाफोनिक्स की बॉलिंग कुछ ऐसी रही थी। पहले नंबर पे इजाबेल बॉन्ग, इन्होंने कुल 17 गेंदे की थी, वह भी कुल 5 शॉट गेंदे करके। यानी अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कुल 12 गेंदों में 25 रन दिए थे, जिस तरह इन्होंने एक भी विकेट नहीं झुटकाई। तो ये तो बात के लिए हमने पहले बोला कि वह जो दूसरे बॉलर थे वह थे एनी बंस, इन्होंने कुल 15 गेंदे की थी, 30 रन इन्होंने 6 डॉट गेंदे की। अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि 9 गेंदे ऐसे थे जिस भी रन दिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि उन 9 गेंदों में कुल 28 रन दिए गए थे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एनी बंस ने एक विकेट चटकाई है और ये इस मैच के इकलौते प्लेयर थे जिन्होंने विकेट चटकाई इस मैच में। तो ये जब बात कर लिया हमने दूसरे बॉलर के बारे में, वही बात की जाए तीसरे बॉलर की, तो तीसरे बॉलर थे एमिली आलोट, इन्होंने कुल 10 गेंद की थी, चीज तो इन्होंने एक ही डॉट गेंद कर पाई सिर्फ। भाई अगर कैलकुलेट कर दिया तो हमें साथ साथ पता चल रहा कि इन्होंने कुल 9 गेंद की थी, जिस तरह इन्होंने कुल 9 गेंदों में 5 रन दिए थे, वह इन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाई। तो ये तो बात कर ली हमने तीसरे बॉलर की। वही बात की जाए चौथे बॉलर की, तो मैं आपको बता दूँ कि चौथे बॉलर थे जॉर्जे एल्विस, इन्होंने कुल 15 गेंदे करी थी, जिस तरह इन्होंने 4 डॉट गेंदे करी। भाई मैं आपको बता दूँ कि जॉर्जे एल्विस ने कुल 24 रन दिए थे। भाई मैं आपको बता दूँ कि जॉर्जे एल्विस ने एक भी विकेट नहीं चटकाई। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने 24 रन दिए थे कुल 11 गेंदों में, अगर डॉट बॉल्स को हटा देते चाहे तो। ये तो बात कर ली हमने चौथा बॉलर की। वही बात की जब पांचवें बॉलर की, तो पांचवें बॉलर थे क्रिस्टी गॉर्डन, इन्होंने कुल 10 गेंदे की थी, 30 रन जी एक ही डॉट बॉल कर पाए। इसे हमें साफ पता चल रहा है कि इन्होंने कुल 9 गेंदे की थी और इन्होंने 9 गेंदों में कुल 21 रन दिए थे, जिस तरह इन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाई। तो ये तो बात कर ली हमने पांचवें बॉलर की। वही बात की जाए छठे और अंतिम बॉलर की, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि छठे और अंतिम बॉलर थे अब्ताह मकसूद, इन्होंने कुल 15 गेंदे की थी, जिस तरह इन्होंने 4 डॉट गेंदे की। अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि 11 गेंदे ऐसे थे जिसमें रन दिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि उन 11 गेंदों में कुल 20 रन दिए गए थे, जिस दौरान अब्ताह मकसूद ने एक भी विकेट नहीं चटकाई। तो ये तो बात कर हमने इस पूरे के पूरे 6 बॉलर के बारे में, जो कि दोस्तों बिर्मिंघम के बॉलर थे। और मेरे हिसाब से इन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन इन्होंने शायद से रन ज़्यादा बढ़वाए होंगे। अगर दोस्तों मैं सच कह रहा, अगर ओपनर सेट ना होती तो सच कह रहा इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते बिर्मिंघम के। वैसे तो इन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, एस एस भी इन्होंने कम दिए। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने बिर्मिंघम के बॉलिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे मारे थे संदर ब्रेकफर्स बिर्मिंघम के बीच सिक्सेस, और इसमें कुछ सिक्सेस के मीटर्स भी लिख रखे हैं जो कि आगे की साइड होके ना के पीछे। तो चलिए देखते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ना आपका इनमें से कोई भी मन फेवरेट क्रिकेटर हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इनमें से कौन सा सिक्स फेवरेट था। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो मेरे इसमें से फेवरेट सिक्स था सेकंड वाला, यानी दोस्तों जो आखिरी का सेकंड था, वो कम से कम उसमें बॉल साफ भी दिख रही थी और आग के छक्का लगा था इस कारण। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में।